सीधे कहे और आप लोग बार बार कह रहे कि मालती रो रही है, अगर इतना रोना रहता तो होटल में बैठ के मजे नहीं करती, और इतना रोना रहता तो एक हफ्ते साथ गायब है। मैं बोला कहाँ हो, क्यों नहीं बता रही है, पोल खुल जाएगा। और बात अर्जुन की आती है तो बोलती है अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद यहाँ शुरू होता है कि बार बार हमको जिस तरह ब्लैकमेल कर रही है, और बताइए फोन हम कैसे करेंगे, नंबर तुम्हारा है ना, ये लास्ट में, ये लास्ट में जो तुम्हारा नंबर है, पहले पर फोन कौन किया था, हम किए थे, तुम की थी, लास्ट में 1988 है, इसके लास्ट में फोन पहले कौन किया, तुम ही की, तब तो मेरे पास आया। उसके बाद दोस्तों बताना चाहता हूँ, सब लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, पत्नी को छोड़ दिया, और पत्नी नहीं गलत है। अगर ये देखिए, नारी शक्ति इतनी बड़ी होती है कि अगर चाह कर भी पति कुछ नहीं कर सकता, और उसी का फायदा निगेटिव चीज में उठाएं। वहां पे अगर देखिए, मान लीजिए एक हिसाब से कि मैं शादी करा रहा हूं, लेकिन इतना भी मेरी औकात नहीं है कि मालती के बिना मर्जी के खिलाफ मैं उसकी शादी करवा सकता हूं। और अगर शादी हो रही है तो ये आप लोग देखे होंगे कि उसमें कितना खुश है, इसमें जो एक दूसरे के मरने का कसम खा रही है कि इनके बिना नहीं जिएंगे, ये आपको नहीं दिख रहा है। और मैं देखिए, मेरे सामने ही दूसरे के साथ दूसरे का हाथ पकड़ के जा रही है, और जबरदस्ती हमसे कहवाया जा रहा है कि यदि कुछ भी होता तो मानहानि का दावा तुम करना मेरे ऊपर, और यहाँ पे मुझे जान से मारने की धमकी अर्जुन देते हैं। तो मालती सीधे कहती है अगर ऐसा कुछ हो गया तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद आज भी बोलती अर्जुन मेरे साथ नहीं है, तो दो दिन अर्जुन मजा ले लिया, उसके बाद जब छोड़ दिया तो आज विष्णु राज याद आ रहा है, तुम्हें ही पता होना चाहिए मालती। और आज आज पहले वीडियो डाली कि हम आधी रोटी खा के अर्जुन के साथ जिएंगे मरेंगे, फिर दोबारा वीडियो डालती हो कि हमें पता नहीं है कि कोई मर्द अपनी पत्नी को ऐसे दे सकता है। अगर पति को तुम इस तरह ब्लैकमेल करके और आज भी ब्लैकमेल कर रही हो, अगर तुम्हें हमसे प्यार होता तो आज मेरा बात दूसरों तक, कोई तुम्हें बात करो, बताओ मैं तुम्हें कब गरिया रहा था, कब क्या कर रहा था, बियर ला के कब पी रहा था तुम्हारे सामने, मैं रखा था पिया था, ये भी कहने के बाद भी तुम यहाँ तक यहाँ की दारू पी रहा है, कि अब मेरे पास बचा ही क्या है। जो बीवी थी जिससे जान से ज्यादा प्यार करता था, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, तुम सीधे बोल रही हो कि ये चीज कि मैं अर्जुन के बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम खुद अपने मुंह से बोली हो, फिर भी तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो, इसलिए कि तुम एक महिला हो, मैं एक मर्द हूं, और मर्द का जो दर्द है सब कोई नहीं समझता है, हमेशा मर्द को नीचे गिराया जाता है, कहते हैं कि औरत को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन नहीं, अब मर्द को गुजरना पड़ रहा है। मैं 100 सही बोलूं, तुम्हारा एक झूठ मेरे 100 सही के बराबर है, तुम्हारा ये चीज हो रहा है। और अगर तुम सच्ची हो तो सीधे बताओ तुम हो कहां, बताई हो, फोन पर भी पूछा हूं ना, कॉल सबसे पहले तुम ही तो की हो, नहीं तो मेरे पास नंबर कहां से आता, बार बार पूछ रहे हो, सुबह मेरे पास तुम ही कॉल की थी ना, मैं नहीं किया, एवं नशा उतर गया, बताई हमसे मतलब क्या है तुमको, इसका मतलब तुम अभी भी मुझे एविडेंस मेरा ढूंढ रही हो, निकाल रही हो फंसाने के लिए, तो लोगों को बता के फंसाने के लिए, कि ताकि मुझे बर्बाद कर सको।